एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल टिप्स एंड स्टिच बाय इरम। आज मैं आपको बताऊंगी कि आप कम कपड़े में स्लीव्स को कैसे निकाल सकते हैं। ये मेरा एक सूट से बचा हुआ कपड़ा है जिसका चौड़ाई कम हो रहा है, ठीक है। ये देखिए, सूट में जो बॉक्स वाला डिज़ाइन है, स्क्वायर वाला डिज़ाइन है, वो हमारा स्लीव्स के लेंथ में जाएगा। तो हम इस तरह से क्या करेंगे, लेंथ वाइज हम कपड़े को डबल फोल्ड करेंगे, ठीक है। और हमें कपड़ा चौड़ाई में कम हो रहा है, ठीक है, तो हम चौड़ाई में कपड़े को जोड़ेंगे। अब हम इस तरह से लेंथ वाइज कपड़े को डबल फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद हम दोनों स्लीव्स एक साथ निकालेंगे, इसलिए हम डबल फोल्ड करके फिर यहाँ से बीच से हम काट लेंगे। अब हम इसे डबल फोल्ड करेंगे। डबल फोल्ड करने के बाद हम क्या करेंगे, इस तरह से जितना हमारा लंबाई है उसी के हिसाब से हम और जो बचा हुआ कपड़ा है उसमें से हम निकाल लेंगे। अब हम इसमें से लगभग 4-4 इंच चौड़ा हम 4 पीस कपड़ा निकालेंगे। स्लीव की लेंथ हम रखेंगे 13 इंच, तो उसमें हम 1.5 इंच प्लस करेंगे एक्स्ट्रा सिलाई के लिए, तो 14.5 इंच हम इसकी लंबाई लिए हैं। और चौड़ाई आप अपने आर्म होल के हिसाब से लीजिएगा। अब देखिए, इस तरह से 3 पीस निकल गया। अब 1 पीस और हम बचे हुए कपड़े से इस तरह से निकाल लेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक एंड शेयर करिए और बेल आइकन बटन को भी प्रेस कर लीजिए। अब हम 4 पीस कपड़ा निकालने के बाद हम एक पीस क्या करेंगे, दोनों साइड जॉइंट करेंगे, ठीक है। तो मैं इसे जॉइंट करके आपको दिखाती हूँ। देखिए, दोनों स्लीव्स में दोनों साइड कपड़ा जॉइंट कर चुकी हूँ। अब हम क्या करेंगे, दोनों को एक दूसरे के ऊपर रखेंगे। इस तरह से आपका अगर कोई भी कपड़ा कम हो तो आप उसे चौड़ाई में जोड़कर अब अपने स्लीव्स निकाल सकते हैं। अब इस तरह से हम अच्छे से इसे बैठाकर डबल फोल्ड कर लेंगे। डबल फोल्ड करने के बाद अब हम देखेंगे कि इसकी चौड़ाई आ रही है 10 इंच, ठीक है। तो सबसे पहले हम अपना सूट लेंगे। सूट का आर्म होल नापेंगे इस तरह से गोल राउंड शेप में, तो हमारा कितना आया, 12 इंच आया, ठीक है। तो जब हम अपने स्लीव्स को कटिंग करेंगे राउंड शेप में तो हमें 12 इंच आ जाएगा, ठीक है। ऐसे हमें लंबाई में 10 इंच आ रहा है, लेकिन जब हम इस तरह से काटेंगे तो हमारा लगभग 11.5 इंच आ जाएगा। तो थोड़ा सा 1/2 इंच अगर कम हो गया तो कोई बात नहीं है। पहले हम इसे बराबर कर लेते हैं साइड से। अब हम इस तरह से खुले भाग तरफ 3 इंच का निशान लगाएंगे, ठीक है, जिधर हमारा खुला भाग है, ऊपर हमारा बंद भाग है। अब हम ऊपर से 3 इंच पर निशान लगाएंगे। अब 3 इंच छोड़कर हम इस तरह से जहाँ पर 3 इंच का निशान लगाया वहाँ हम इस तरह से राउंड शेप देंगे, ठीक है। आप चाहे तो कर्व स्केल से भी दे सकते हैं, लेकिन मैं हाथ से ही दे दूँगी। इस तरह से शेप देने के बाद अब हम अपने हाथ का यानी कि स्लीव्स का बॉटम का फिटिंग का निशान लगाएंगे। तो बॉटम का फिटिंग है 5 इंच और उसके लिए 2 इंच हम सिलाई के लिए लेंगे। तो इस तरह से हम 7 इंच लेंगे। अब हम नीचे वाले ऊपर वाले निशान को बॉटम वाले निशान पे मिला देंगे इस तरह से तिरछा। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। कटिंग करने के बाद हम क्या करेंगे, अब कपड़े को हम सीधी तरफ से इस तरह से बिछा रखेंगे, ठीक है। सीधा वाला भाग जो है हमारा वो हम अंदर की तरफ रखेंगे। दोनों स्लीव्स को एक दूसरे के ऊपर रखिएगा, लेकिन सीधा वाला पार्ट आपका अंदर की तरफ होना चाहिए, ठीक है, और उल्टा वाला भाग बाहर की तरफ। अब हम इस तरह से एक साइड हम 1/2 इंच का इस तरह से शेप देंगे फ्रंट पार्ट के लिए, ठीक है, क्योंकि हमारा फ्रंट पार्ट जो होता है वो 1/2 इंच कम होता है आगे वाले पीछे वाले पार्ट से, ठीक है, क्योंकि पीछे वाला जो हम आर्म होल काटते हैं वो 1.5 इंच पर काटते हैं और हम आगे वाला जो पार्ट काटते हैं वो 1 इंच पर काटते हैं। अगर आपको सूट की कटिंग देखना है तो हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक लगा देंगे, वहाँ से आप देख सकते हैं। अब इस तरह से हम नीचे अपना स्लीव्स का बॉटम फोल्ड कर लेंगे। फोल्ड करके सिलाई लगा लेंगे। अब अपना सूट लेंगे। सूट लेने के बाद इस तरह से सूट में स्लीव्स को इस तरह से बैठा कर देखेंगे कि हमारा फिटिंग का सिलाई कहाँ आ रहा है। फिटिंग का सिलाई जहाँ पर आ रहा है उस तरह से हम इस तरह निशान लगाएंगे ऊपर से लेकर बॉटम तक, उसके बाद हम इस पर सिलाई लगा लेंगे।
सिलाई लगाने के बाद अब हम अपने सूट में स्लीव्स को अटैच कर लेंगे। अगर आपको इस सूट की कटिंग और स्टिचिंग देखनी है तो फुल वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां से आप जाकर देख सकते हैं। इसी तरह मेरे चैनल से बने रहिए ताकि आपको हर रोज़ कुछ नया सीखने को मिले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। इस तरह से हमारा सूट मिस